ओके स्टूडेंट, आज प्लस वन क्लास की केमिस्ट्री में हम अपने मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी की बात करेंगे हम गैसेस के लिए और इसको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन गैस से, दैट इज द लाइटेस्ट गैस, इसलिए हम इसको बोल देते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी। अब सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि वेपर डेंसिटी है क्या। वेपर डेंसिटी मीन्स अगर किसी भी गैसेस का वेपर स्टेट में अगर डेंसिटी कैलकुलेट करें, क्योंकि सिंपली अगर हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर ये डेंसिटी हम वेपर स्टेट में कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर डेंसिटीज। अब हमें यहाँ वेपर डेंसिटी को यूज करके मॉलिकुलर मास निकालना सीखेंगे, जो मोल कंसेप्ट में हमने यूज करना है। लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा है रिलेटिव वेपर डेंसिटी, तो जब भी किसी अननोन गैसेस के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो एलिमेंट फॉर्म में है, वेपर डेंसिटी निकालनी है तो हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं। इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर हमें वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस निकालनी है, हम मान लो किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हमें हाइड्रोजन की निकालनी है, नाइट्रोजन की निकालनी है, तो एलिमेंट बोलेंगे, उस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है, तो हम जनरली लाइटेस्ट गैस से कंपेयर करके निकालते हैं। यानी क्या बोलेंगे कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अगर किसी की हमने कैलकुलेट करनी है तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी अपनी, यानी उसको हमने किससे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस या जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, या कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकता है, जैसे अमोनिया हो गया, CO2 हो गया है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन्स। अब देखो, जैसे हमने आइडियल गैस से मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट किया था, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली रिफरेंस हम हाइड्रोजन यूज करते हैं क्योंकि ये लाइटेस्ट गैस है, इससे कंपेयर करके निकालते हैं, और इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करेंगे किसके लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, उसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक जनरल आ जाएगा कि अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें किसी भी एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो क्या राइट करेंगे, 2 इट्स वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। और इसको अगर ये कहें कि ये आया कहाँ से, हमने कंपेयर कैसे किया, तो देखो थोड़ा सा हम ड्राइव करके देख लेते हैं। हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV = nRT, ये क्या है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, बाकी हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है डायरेक्टली न्यूमेरिकल में, लेकिन थोड़ा सा ये कर लें कि आया कहाँ से ये। तो अगर PV = nRT हमारे पास, इस केस में अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वेपर, और जनरल प्रेशर ले लिया, तो हम ये भी लिख सकते हैं N/V RT। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि N अपना क्या है, मोल्स, और मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर इस N की जगह भी हम फॉर्मूला पुट कर दें, यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, अब ये क्या हो गया हमारे पास, RT/V। अब वेट अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, तो ये भी राइट कर सकते हैं कि W/V × RT/M, ये किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। अब वेट अपॉन वॉल्यूम की जगह अगर डेंसिटी पुट कर दें, RT/M हो गया हमारे पास। अब हमें तो डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे डेंसिटी से कोरिलेट करें, और वेपर प्रेशर के प्रेशर लेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर की डेंसिटी। और इसी को रीअरेंज करके अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें, तो मोलर मास प्रेशर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये आरटी किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और जब भी किसी दो गैस के लिए कंपेयर करेंगे हम, यानी मान लो हम ये कहें फॉर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, या कहें कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब हमारे पास आर पहले से ही गैस कॉन्स्टेंट है, इस टर्म में हमारे पास टी भी कॉन्स्टेंट हो गया, आर भी कॉन्स्टेंट, और प्रेशर भी क्या है, कॉन्स्टेंट।
दैट मीन्स वेपर डेंसिटी या डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मोलर मास पे। और अगर किसी दो गैसेस के केस में कंपेयर करेंगे तो इस केस में मान लो अगर हम कंपेयर करें कि हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर मिक्सअप करें किसी दो गैसेस की डेंसिटी हमें दे रखी है, तो देखो अगर ये राइट करें P1 के लिए तो जाएगा M1 अपॉन RT। प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? M2 अपॉन RT, RT से RT कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलर मास ऑफ फर्स्ट एंड मोलर मास ऑफ सेकेंड। इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि गिवन गैस ऑफ एलिमेंट का जो मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट है तो सिंपली हम किससे कंपेयर कर लेते हैं? हाइड्रोजन गैस से। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ये सोल्व आउट भी कर सकते हैं। बाकी हमने सिंपल अपना ये फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने। अभी देखो क्योंकि कई बार ये लगता है कि न्यूमेरिकल में मैं कुछ दिया ही नहीं, कैलकुलेट कैसे कर। हमसे देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल बन जाए, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। सिंपल दे दिया हमें कि फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले अगर हमें सल्फर और हमारे पास दो ऑक्सीजन है, एक सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 और दो ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी हमारे पास टोटल मास कितना आ गया? 64। अब इसके पास हमारे पास 60 मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम में लिखते हैं, और मोलर मास होता तो किसमें लिख देते? ग्राम पर मोल में। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया है, वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या करें हम? 2 से डिवाइड कर दें। तो इस केस में अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या जाएगी? जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है डिवाइड बाय 2, यानी SO2 की वेपर डेंसिटी आ जाएगी 64/2, यानी कितनी वेपर डेंसिटी है इसकी? 32। अब दो का कंपेयर के केस में निकालते हैं तो यूनिट हम राइट नहीं करते, नहीं दे रखे है अगर आपकी वेपर डेंसिटी। वैसे हम किस में निकालते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल में, और मीटर क्यूब लेंगे तो केजी यूज कर लेते हैं। नहीं, सिंपली क्या निकालेंगे? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं तो दो डेंसिटी का रेशियो है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। सिंपली हमारे पास वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 32। अब ये भी निकाल पूछ सकते हैं हमसे, अगर हमारे पास कह दें फाइंड आउट, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, अगर हमें फॉर्मूला फाइंड आउट है, ये कहे कि फाइंड आउट मास ऑफ अननोन गैस दैट हैविंग वेपर डेंसिटी 32। जस्ट अपोजिट ही पूछ सकते हैं, ये कहे कि कौन सी अननोन गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी 32 है। तो हमें पता है कि वेपर डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब हमें वेपर डेंसिटी प्रोवाइड है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इनटू 2। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें, वेपर डेंसिटी आपको 32 दे रखी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया? 64। दैट 64 अभी ग्राम हमने कैलकुलेट किया था, नहीं कंपेयर करके देख ले, जब हमें कोई भी 4 ऑप्शन मिलेंगे उनके मास को कंपेयर करके देख लेंगे, जिसका मास इसकी इक्वल आएगा उसी की क्या हो जाएगी? वेपर डेंसिटी 32। ये हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया था इसलिए मैंने ये ले लिया, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि 64 मास तो किसका है? SO2 का है। इसका मतलब जो अपनी अननोन गैस थी वो कौन सी है? SO2, यानी इसका मास 64 आ गया है, और 64 मास किस कौन सी गैस का है? SO2 का। अब SO2 गैस है इसलिए अननोन गैस भी कौन सी है अपनी? SO2। जैसे ऑप्शन में मिल जाए कि कोई भी गैस आपको दे दे, अमोनिया दे दी, CO2 दे दी, अभी एक इसकी जगह दे दे SO3 और एक दे दे हमें SO2, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मास मिल गया तो इनमें से कौन सी गैस से मास मैच कर रहा है? SO2 से। तो उस किसकी वेपर डेंसिटी अननोन गैस कौन सी है? SO2 है ना। किसी भी अननोन गैस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम
इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बड़े काम का है। एक क्वेश्चन देखो पीछे वाले से अब जोड़ के कैसे पूछेंगे हमसे, क्योंकि मेन चीज है किसी दो फॉर्मूले को जोड़ के न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना। जैसे हमें कहे फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ गिवन गैस हैविंग वेपर डेंसिटी 8.5। हमसे क्या पूछा गया अभी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो किसके अंदर, उस गैसेस के अंदर जिसकी वेपर डेंसिटी 8.5। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, अभी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास आ गया तो मोल निकाल सकते हैं क्योंकि गिवन वेट दे रखा है, और मोल आ गए तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। पहले उसको माइंड में रिवाइज अप करना है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है हमें। तो हमें यहाँ वेपर डेंसिटी दे रखी है किसी भी अननोन गैस के लिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस अननोन गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 × वेपर डेंसिटी। अब अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा अगर वेपर डेंसिटी इसकी कितनी है 8.5, तो 8.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 17 पूछा गया हमारे पास। अब ये हमारे पास अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू निकालने के लिए अब किस टर्म में निकालनी है हमें, जो डाटा दे रखे हैं। अब हमें ग्राम में दे रखा है तो ग्राम से कर देते, नहीं मोल निकाल के मोलर वॉल्यूम से कर देते, लीटर में होता, अभी ग्राम में दे रखा है, ग्राम में हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है उसको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ही क्या होता है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अब गिवन हमें कितना दे रखा है 34 ग्राम, और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ही क्या होता है, मोलर मास। अगर हम किसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर उसी को ग्राम पर मोल में लिख दें तो क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालने अननोन गैस के लिए, तो गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, अपने पास कितने आ गए अभी 2 मोल्स आ गए, और मोल्स आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है किसी भी गैस का अगर 1 मोल हमारे पास है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है। अब अवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, लेकिन हमें तो किसमें निकालने हैं, 2 मोल्स में। यानी हम क्या लिखेंगे, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 34 ग्राम ऑफ गैसेस कंटेन्स कितना हो जाएगा, 2 × 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ना। कई बार न्यूमेरिकल को डायरेक्ट देख के लिखता है कि कैसे निकालें, वेट तो दे रखा है लेकिन मोल्स निकालने के लिए तो गैस का या तो फॉर्मूला हो हमारे पास या क्या दे रखा हो, मोलर मास। लेकिन हम वेपर डेंसिटी से भी क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ही क्या होता है, मोलर मास, अगर ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट कर दें, और मोल आते ही क्या निकाल सकते हैं, हम मॉलिक्यूल की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसी तरह का हम एक टॉपिक यूज करते हैं, एक सिंपल हमने निकालना सीखा है एटॉमिक मास। जब भी एटॉमिक मास निकालना हो में, या हम सिंपल बात कर रहे हो मॉलिक्यूलर मास की, जनरली ये दोनों अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम किसमें, ग्राम में, इसका मतलब क्या था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और
मॉलिक्यूल है तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यानी ये हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, ग्राम। और अगर किसी को ग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको मास को, तो ये भी बोल सकते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। है ना, छोटे से डाटा को ही हमने ध्यान रखना है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं, ये कहे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, तो वो क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास है, और ये कौन सा है, उसका रिलेटिव, इन कंपेयर टू कार्बन 12 हमने कंपेयर करके निकाला था। तो उसी तरह से अगर ग्राम में एक्सप्लेन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक अगर किसी एक एटम का है और मॉलिक्यूल का है तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमें ये कह दे सोडियम एटम है आपको, और इसको यहां लिख दें हम 23 ग्राम, तो क्या हो गया, ये 23 ग्राम है तो किसकी वैल्यू है, ये ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन है ये रिलेटिव मास ही, क्योंकि किसके कंपेयर में लिखा है हमने, कार्बन 12 के कंपेयर में। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मान लो हमने यहाँ वाटर का लिख दिया अभी, और वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर का क्या है ये, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम। ना कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मॉलिक्यूलर मास है। और अगर इसी को हम ये लिख दें कि सोडियम हमें दे रखा है 23 ग्राम पर मोल, जब भी पर मोल की बात आ जाए तो दैट मींस क्या है, ये इसका मोलर मास है। क्या ये मोलर मास, तो इससे में क्या नजर आ रहा है, देखो जो आपको ये रिलेटिव मास दिखाई दे रहा है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को। अब इसी डाटा दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये लिख दें कि सोडियम का आपको मास दे रखा है 23 AMU, जब भी AMU आ जाए यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये किसको एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, ये मास ऑफ सिंगल एटम, एक एटम के मास को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमें पता है कि एक AMU की वैल्यू कितनी है ग्राम में, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब इन डाटा को यूज करके यानी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बस थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास पूछे या ग्राम एटॉमिक मास पूछे, ग्राम मॉलिक्यूलर, तो किस में एक्सप्लेन करना है हमें, ग्राम में। कई बार कह देता है कि फॉर्मूला मास निकालो, क्या बोल देता है हमें कि फाइंड द फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मीनिंग क्या है, उस फॉर्मूले को यूज करके निकालना है। जैसे मैं कहे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालो, यानी इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, NaCl, तो हम क्या करेंगे उसमें हर एटम के मास का सम अप, यही क्या करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास में। तो फॉर्मूला मास ही क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। फॉर्मूला मास है तो क्या लिखेंगे कि मास इक्वल टू सम ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, उस कंपाउंड के फॉर्मूले में जितने भी एटम है उन हर एटम के मास का अगर सम अप कर दें। जैसे हमें पता है कि सोडियम का कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, इनको सम अप करके लिख देंगे 58.5, ये क्या हो जाएगा, ग्राम में, क्योंकि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम। ये कहेंगे एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल है तो लिखेंगे AMU में, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो किस में लिखेंगे, ग्राम पर मोल। और सिंपल अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछे तो किस में करेंगे, ग्राम में। फॉर्मूला मास पूछे तो भी किस में करेंगे, ग्राम में। तो सिर्फ अगर सिंपली देखें हम तो किसका डिफरेंस है, यूनिट का। लेकिन कई बार AMU में दे रखा और कहे कि एक्चुअल में एक एटम का बताओ, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, इतना ध्यान रखना। अब इन्हीं से यूज करके एक मास और यूज करते हैं हम, और वो है हमारा इक्विवेलेंट मास। ये तो देखो डायरेक्ट, ये ध्यान रखना है, कई बार पूछते हैं ये पढ़ना है, N एटम लिखाओ, 1 एटम लिखाओ, सिंगल एटम लिखाओ, तो किसमें निकालना है, AMU में राइट कर दे हम। ये कहे कि फाइंड द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
तो सिंपल क्या लिख देंगे कि वाटर का फॉर्मूला ये और इसका मास आपको पता है 18। ये कहे कि वन मॉलिक्यूल का निकालो तो क्या लिख देंगे एमयू। ये कहे कि वन मोल का निकालो तो क्या लिख देंगे ग्राम पर मोल। ये कहे कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या लिख देंगे 18 ग्राम। यानी ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वन मोल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मॉलिक्यूलर मास, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम फॉर्मूला मास। इतने टर्म पढ़ लिए हमने, किसी चीज का पूछो सबसे आसान है, लेकिन पूछ ले कि ग्राम में बताओ तो एएमयू की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं सिंपल अगर आंसर अपना एएमयू में, तो एएमयू तो किसको एक्सप्लेन करता है सिंगल के लिए, ग्राम पर मोल है तो मोल के लिए, सिंपल ग्राम है तो मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी टर्म में एक और वर्ड हम यूज करते हैं और वो वर्ड हम क्या यूज करते हैं इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, किसके इक्वल है। अब इक्विवेलेंट मास को अगर कंपेयर करें तो या तो हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो कितने मास पर यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, कितना पर यूनिट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है 2 है। कई बार क्लोरीन से कंपेयर कर लेते हैं तो पर यूनिट ऑफ क्लोरीन कितनी है, तो हम लिखते हैं कि मास ऑफ गिवन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोरीन, या क्योंकि जितना डिस्प्लेस करेगा वही उसकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसी मास को। तो ये तो सिंपली अगर डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी हो, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है उस न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करना। तो जब भी इक्विवेलेंट मास आ जाए, इक्विवेलेंट मास को अगर एक्सप्लेन करना है हमें, तो सिंपली हम मैथमेटिकली याद रखेंगे किसी भी सब्सटेंस का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले से अगर नाम दे रखा है तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दे। अब ये वैलेंसी कब होगी, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड है लेकिन कोई भी एसिड बेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, बेसिसिटी यूज कर लेते हैं या एसिडिटी वर्ड यूज कर लेते हैं। अब हमें ये दो फैक्टर पढ़ने जरूरी है कि वैलेंसी क्या होती है, ये 9th क्लास में हमने खूब पढ़ी है। वैलेंसी अगर जनरली देखें तो क्या होता है, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन कर रहा है, चार्ज ऑन कैटाइन अगर अपना क्या है आयनिक कंपाउंड है और कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। जब भी एक कंपाउंड से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है या एक स्टेट से दूसरे में आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन कर रहा है, क्योंकि वो शेयरिंग करते हैं आपस में। तो कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन कर लेते हैं, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो सिर्फ कैटाइन पे चार्ज देखते हैं। लेकिन इसी के केस में अगर हम ये लिखें कि बेसिसिटी, बेसिसिटी ये थोड़ा सा उल्टा है, बेसिसिटी किसकी होती है एसिड की होती है ना, 10th क्लास में एसिड बेस में पढ़ा था हमने। तो बेसिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आइन किसके अंदर, इन एसिड। जैसे हम ये देखें कि HCl हमारे पास आयनाइज करेंगे तो एक एचाइन देता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। अगर इसी तरह से हम एक बात करें कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आयनाइज करेंगे तो हमें कितने देता है 2 एचाइन, जितने दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड में एक्सेप्शन होता है, जितने दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होते एक्चुअल में, वो एक्सेप्शनल केस में पढ़ेंगे आगे। ये हमारे पास हो जाएगा सल्फेट, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, जनरली एसिड में जितने एचाइन दिखाई दे रहे होते हैं उतने ही होते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो बेसिसिटी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एचाइन। इसी केस में अगर एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएचाइन इन बेस। ये ओएचाइन कितने हैं किसी भी बेस के अंदर, वो क्या हो जाएगी उसकी एसिडिटी। जैसे हमें कह दे कि NaOH के अंदर बताओ तो कितने ओएचाइन दिखाई दे रहे हैं हमें 1, और यही अगर हम कह दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही क्या है अपना
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कितने वाचाइन हमें दिखाई दे रहे हैं? टू। अगर यही कह दे कि हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो कितने दिखाई दे रहे हैं? तीन। यानी जितने वाचाइन हमें विजुअली है वही उसकी क्या है? एसिडिटी। तो किसी भी मोलिक्यूल्स का हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और इसी दोनों को या इन तीनों फैक्टर को मिला के जनरली हम अपना एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए, एन फैक्टर। एन का मतलब वैलेंसी भी हो सकती है, बेसिसिटी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है। यानी वैलेंसी तो किसमें यूज करेंगे? आयनिक कंपाउंड में कैटायन पे कितना चार्ज है, या फिर एन फैक्टर क्या है, किसी कोवलेंट कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन हो रहा है, चेंज। कोई भी एसिड है तो बेसिसिटी, कितने रिप्लेसेबल अचाइन है, और एसिडिटी है तो कितने वो अचाइन है। जैसे निकाल के देखते हैं, देखो हमसे कह दे फाइंड आउट, हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले से हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है? वन। दो हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दे। हमारे पास सल्फर कितना है? वन। एक सल्फर का कितना है? 32। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? चार। एक का कितना है? 16। अगर इसको सम अप करके लिखें, अपने पास कितना हो गया ये? 98। अब हमें देखना है कि इक्विवेलेंट वेट के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था? एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये? कितने अचाइन है रिप्लेसेबल? टू। दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी है? टू। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ? मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी, यानी कितना आ गया? 49। लिखते क्या है इसको? ये अपना ग्राम में है और इक्विवेलेंट है, तो क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो किसी भी एसिड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको देख के? एचाइन। एचाइन क्या होगी? उसकी बेसिसिटी। अभी कह दें कि हमें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है जी। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूले को देख के पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 24। ये टू आपके मॉलिक्यूल है, 16 ऑक्सीजन के लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए, कितना हो गया आपका ये? 24 और 17 टू 34, यानी टोटल कितना आ गया आपका ये? 58। अब ये क्या आया हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिडिटी। ये बेस है तो क्या देखेंगे इसकी? एसिडिटी। और एसिडिटी क्या है? कितने रिप्लेसेबल ओवाचाइन है। हमारे पास यहाँ टू ओवाचाइन है, दैट मीन्स इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? टू। अब इस केस में अगर इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 58/2, यानी कितना आ गया अपने पास ये? 29 ग्राम, ऐसे लिख लें या तो, पर इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला। इसी तरह से इन सबको यूज करके हम और न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।